तो भाई क्या आप लोगों का भी जीमेल अकाउंट फुल हो गया है? क्या आप लोग भी ईमेल रिसीव नहीं कर रहे? क्या आप लोगों को भी ऐसे अकाउंट स्टोरेजेस फुल करके नोटिफिकेशन आ रही है? क्या आपको भी जीमेल कह रहा है कि नहीं भाई अब आपको पैसे देने पड़ेंगे जीमेल यूज़ करने के लिए? तो भाई पैसे देने से पहले रुक जाइए, आप लोग इन्फॉर्मेटिव मीडिया को देखते हो, उसको फॉलो करते हो, तो आपको पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पे आपके सामने देख सकते हैं, अगर आपका अकाउंट स्टोरेज फुल हो जाता है तो गूगल आपको कहता है कि भाई आपको 100 GB के 130 रुपये पर महीना देना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, पर महीना काफ़ी ज़्यादा पैसे होते हैं दोस्तों। हम लोग आपके सारे पैसे बचाने वाले हैं और बदले में बस आपसे एक लाइक मांगेंगे। दोस्तों यहाँ पे हम आपको बताते हैं कि कैसे आप लोग अपने गूगल के अकाउंट की जो स्टोरेज है उसको फ्री कर सकते हैं चुटकी बजाकर। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल चुटकी बजाकर। और दोस्तों यहाँ पे जो भी मैं करने वाला हूँ सब कुछ गूगल की एप्लीकेशन से करने वाला हूँ, तो कोई भी एक्सटर्नल एप्लीकेशन नहीं करूँगा। और जो चिंदी चोर यूट्यूब पे बैठे हैं, जो लोग पता नहीं क्या क्या नहीं बता रहे कि ऐसे कर लो वैसे कर लो, उसे क्लियर हो जाएगा, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है दोस्तों। गूगल आपको बहुत अच्छे टूल्स ऑलरेडी प्रोवाइड करता है जिसकी वजह से अब आप कर पाएंगे अपने अकाउंट की स्टोरेज खाली। जी हाँ दोस्तों, अगर आपके पास भी जीमेल अकाउंट है उसकी अकाउंट स्टोरेज फुल है तो आप लोग उसको अभी खाली कर पाएंगे। बिल्कुल साथ साथ में करते जाइएगा जैसे जैसे मैं आपको बताऊँ। तो दोस्तों पहले बता देता हूँ कि जो अकाउंट स्टोरेज होती है ये सिर्फ और सिर्फ आपकी जीमेल अकाउंट से नहीं होती फुल, इसके 2-3 और भी कारण हैं वो मैं आपको आगे चल के वीडियो में बताता हूँ। पर दोस्तों अगर अभी तक आप लोग ये सोच रहे थे कि अगर आप कोई ईमेल डिलीट कर देंगे ऐसे करके तो आपकी जो है अकाउंट स्टोरेज खाली हो जाएगी, तो बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ जीमेल से कुछ नहीं होने वाला, आपको बहुत सारी चीज़ें साथ में करनी पड़ेंगी। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, बताते हैं आपको कि पहला स्टेप हमारा क्या रहेगा। तो दोस्तों पहला स्टेप बड़ा सा सिंपल सा ही है। सबसे पहले दोस्तों आपको जाना है अपने जीमेल अकाउंट में, और जीमेल अकाउंट में जाने के बाद आपको ऊपर एक चीज सर्च करनी है जो कि सबसे आसान चीज़ है और सबसे सरल चीज़ है। सबसे पहले आप उसको सर्च कीजिए, फिर मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा कि सिर्फ मैंने ऐसा क्यों कहा कि सिर्फ जीमेल से ही आपका अकाउंट स्टोरेज फुल नहीं होता, उसका रीज़न मैं आपको आगे बताऊंगा। तो जो हैज़ अटैचमेंट्स आपको लिखना है यहाँ पे, हैज़ कॉलन अटैचमेंट्स स्पेस लार्जर 30 MB। दोस्तों इसका मतलब समझिए, मैंने यहाँ पे एक फिल्टर लगाया है गूगल के अंदर जीमेल के अंदर, जिसमें मैंने लिखा है कि जिस ईमेल के अंदर अटैचमेंट है और जिसका अटैचमेंट साइज ग्रेटर देन 30 MB है तो उसको आप मुझे दिखाओ। तो यहाँ पे दोस्तों मेरे पास एक यहाँ पे आप कह सकते हैं एक ईमेल आ गई है जिसका मुझे कोई यूज़ नहीं है आज के डेट में, और 100% श्योर हूँ कि आपके पास भी ऐसी काफ़ी सारी ईमेल्स होंगी जिसका आपका कोई यूज़ नहीं होगा। तो दोस्तों आप इसको यहाँ पे डिलीट कर सकते हैं। याद है दोस्तों यहाँ पे जो भी डिलीट कर रहे हो सब कुछ ट्रैश में जा रहा है, तो ट्रैश में जाके भी आपको डिलीट करना पड़ेगा बाद में। सिमिलरली दोस्तों आपको यहाँ पे लार्जर 30 की जगह अब आपको यहाँ पे 10 कर लेना है। दोस्तों यहाँ पे हम लोग ने कर लिया है 10, और अब आप देखेंगे कि यहाँ पे काफ़ी सारी और भी ईमेल्स आ गई हैं जिसको मुझे डिलीट कर लेना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे सलेश देख रहे हैं, फलाना ढिकाना सॉन्ग नहीं रहना, याद है बहुत पुराना सॉन्ग है, तो आप इस टाइप की चीज़ें भी डिलीट कर सकते हैं और कुछ स्पेस क्लियर कर सकते हैं। पर याद रहे अभी आप सिर्फ कुछ स्पेस क्लियर कर पा रहे हैं। अब मैं बताता हूँ दोस्तों स्टेप 2 जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है। जैसे मैंने दोस्तों आपको बोला कि सिर्फ जीमेल ही आपकी स्टोरेज को फुल नहीं करता, टोटल स्पेस होता है 15 GB जो कि आपको फ्री मिलता है गूगल से, और उसका रीज़न ये है कि 15 GB के अंदर आपके पास जीमेल आ सकती हैं, आपके पास फोटोज़ नाम की जो एप्लीकेशन होती है अगर आप लोग ऑलरेडी यूज़ करते हैं तो फोटोज़ आ सकती हैं, प्लस आपकी अगर कोई ड्राइव है कुछ गूगल ड्राइव पे आपने डेटा डाल रखा है तो वो भी आ सकती है। दोस्तों ये तीनों चीज़ें आपको साथ में क्लीन करनी पड़ेंगी तभी आप एक अच्छा लेवल ऑफ स्टोरेज क्लीन कर पाएंगे। तो जैसे कि दोस्तों आप लोग देख सकते हैं मैं यहाँ पे आ गया हूँ गूगल ड्राइव पे। अगर आपके पास ऑलरेडी इंस्टॉल नहीं है तो नीचे मैं लिंक दे दूंगा इसको इंस्टॉल करने का, नहीं तो आप प्ले स्टोर पर जाइए, प्ले स्टोर पर जाके दोस्तों आप यहाँ पे ड्राइव लिखेंगे तो आपको मिल जाएगा। तो अब हम चलते हैं दोस्तों गूगल ड्राइव में। जैसे मैंने आपको बताया पहला स्टेप हम लोग ले चुके हैं, कुछ बड़ी ईमेल्स को डिलीट कर चुके हैं। दोस्तों दूसरा स्टेप जो है वो भी काफ़ी इजी है, उसमें भी ये सारे स्टेप इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि मैनुअल स्टेप्स हैं, बट आपका जो डेटा है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है तो आप लोग पहले रिव्यू कर पाओगे कि भाई आपको ये डेटा चाहिए या नहीं चाहिए। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे ड्राइव में भी आपके पास 2 फोल्डर्स हैं, एक कंप्यूटर है और एक माई ड्राइव है। अगर आप मेरी तरह थोड़े से भी टेकी हैं तो हो सकता है आपने कंप्यूटर के अंदर गूगल ड्राइव डाल रखा हो और जितनी भी फाइल्स हों गूगल ड्राइव की वो सारी यहाँ पे सिंक हो रखी हो। तो फॉर एग्जांपल मेरे केस में आप देख सकते हैं डेस्कटॉप पे कुछ फाइल्स रही होंगी अगर, तो वो सारी यहाँ पे सिंक हो गई हैं। हो सकता है मुझे अभी ना चाहिए हूँ, पर ये अभी भी यहाँ पे हैं जो कि हो सकता है
ईटिंग कर रही हैं मेरे स्पेस को, तो यहाँ पे मैं उड़ा सकता हूँ। फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं यहाँ पे हिट फिल्म एक्सप्रेस करके कुछ है, ये सब मुझे नहीं चाहिए, तो मैं इसको उड़ा सकता हूँ कभी भी। जैसे कि मैं यहाँ से इसको डिलीट पे क्लिक कर दूंगा। अगेन दोस्तों यहाँ पे जो भी मैं लिख रहा हूँ वो सब कुछ ट्रैश में जा रहा है, ट्रैश में जाकर आपको क्लीन करना पड़ेगा। दोस्तों ऐसे करके आप अपनी फाइल्स को रिव्यू कर सकते हैं और डिलीटेड फाइल्स को ट्रैश में से भी डिलीट कर सकते हैं। ट्रैश में जाने के लिए दोस्तों आपको यहाँ पर 3 डॉट्स पे क्लिक कीजिए, ट्रैश में जाइएगा और ट्रैश में जाके भी इनको यहाँ से डिलीट कर दीजिएगा। दोस्तों अब आप डिलीट कर देंगे तो डिलीट फॉर एवर हो जाएगा और कभी भी आप इसको रिट्रीव नहीं कर पाएंगे और तभी आपका स्पेस थोड़ा खाली होगा। पर दोस्तों अभी भी हमारा काम खत्म नहीं हुआ। दोस्तों तीसरा स्टेप होता है फोटोज़ का। फोटोज़ एक थर्ड एप्लीकेशन है जो कि लगभग सारे फ़ोनों में आती है और आजकल काफ़ी ज़्यादा लोग उसको यूज़ भी करने लग गए थे जब तक वो फ्री थी, पर अभी रिसेंटली उसमें भी स्टोरेज का इशू आ गया है कि उसमें भी 15 GB से आप ऊपर नहीं डाल सकते। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी सारी फ़ोटोज़ होंगी जिसका आप लोग यूज़ कर सकते हैं और हो सकता है आप चाहते होंगे कि आप इन फ़ोटोज़ को अपने पास रखें। तो दोस्तों अगर आप लोग कुछ फ़ोटोज़ को डिलीट करना चाह रहे हैं या बचाना चाह रहे हैं तो भाई यहाँ से आप लोग अपनी फ़ोटोज़ को बचाए डिलीट कर सकते हैं। अब सुनिए, काम हमारा यहाँ पे ख़त्म नहीं हुआ है। फ़ोटोज़ के अंदर अभी भी बहुत बड़ी फ़ोटोज़ पड़ी हुई हैं पर आप लोग यहाँ से रिव्यू नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों इसका बेस्ट स्टेप बताता हूँ आपको। आपको वापस जाना है दोस्तों जीमेल के अंदर और यहाँ पे एक ऑप्शन है क्लीन अप स्पेस का। दोस्तों इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा अगर आपको नहीं मिल रहा हो तो। दोस्तों ये है गूगल का स्टोरेज मैनेजर, जी हाँ दोस्तों, जिसमें कि वो ऑटोमेटिकली एनालाइज करेगा कि आपको कौन कौन सी चीज़ें रखनी चाहिए या कौन कौन सी चीज़ें बड़ी हैं जो कि ज़्यादा स्पेस आपका घेर रही हैं आपके फ़ोन के अंदर या फिर आपके जीमेल अकाउंट के अंदर। तो दोस्तों यहाँ पे आपके जो जीमेल अकाउंट है ये हर एक को अलग अलग करके दिखा रहा है। मैं आपको एक बार फटाफट से रन थ्रू करा देता हूँ ताकि आप समझ पाएँ। तो दोस्तों यहाँ पे हैं कुछ डिलीटेड ईमेल्स जहाँ पे वो कह रहे हैं कि रिव्यू एंड फ्री ऑफ 49 MB। इसका मतलब ये है दोस्तों कुछ ईमेल्स हैं जो कि हमने डिलीट करी बट वो अभी भी हमारे फ़ोन में पड़ी हैं जिसकी वजह से वो यहाँ पे 49 MB खा रही हैं। तो इसको मैं डिलीट ऑल कर सकता हूँ। दोस्तों ये सारी वही हैं ईमेल्स जो कि हमने अभी फर्स्ट स्टेप में अपने करी थी। दोस्तों ये लास्ट स्टेप है, इसको बहुत ध्यान सुनना क्योंकि सबसे इजी स्टेप आपका यही है और सबसे ज़्यादा हेल्प आपको यही करेगा। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे हमने 49 MB अभी फ्री करा है। इसके बाद दोस्तों आते हैं स्पैम ईमेल्स। तो दोस्तों स्पैम ईमेल्स भी हमारे पास आती रहती हैं बहुत सारी और आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे रिव्यू एंड फ्री अप टू 3.2 MB है। तो दोस्तों अगर आप लोग इसको भी खाली करना चाहें तो आप इसको खाली कर सकते हैं बट 3.2 MB काफ़ी कम होता है तो मैं इस पर इतना बॉदर्ड नहीं हूँ। अब आते हैं दोस्तों सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पे है दोस्तों लार्ज अटैचमेंट्स या लार्ज आइटम्स। तो दोस्तों जो आपके ईमेल के अंदर या आपके ड्राइव के अंदर बड़ी बड़ी फाइल्स पड़ी हैं या फिर आपकी फ़ोटोज़ के अंदर बड़ी बड़ी फाइल्स पड़ी हैं आप उनको क्लीन अप कर सकते हैं और काफ़ी ज़्यादा स्पेस बचा सकते हैं। मेरे केस में आप देख सकते हैं यहाँ पे ईमेल्स विद लार्ज अटैचमेंट्स में लिखा हुआ 167.5 MB। मैं इसको इग्नोर करता हूँ क्योंकि काफ़ी कम स्पेस है वो 167 MB। यहाँ पे दोस्तों देखिए लार्ज फाइल्स, दोस्तों ड्राइव का सिंबल बना हुआ है, लार्ज फाइल्स लिखा हुआ है। ये ड्राइव के अंदर मेरे पास 6.2 GB की फाइल्स पड़ी हुई हैं जो कि एक कंसर्निंग पॉइंट है कि हाँ मुझे यहाँ पे कुछ डिलीट करना चाहिए, कुछ क्लियर करना चाहिए। ऑल दो दोस्तों मुझे ये सारी रखनी है तो मैं यहाँ पे अभी आपके सामने डिलीट करके नहीं दिखाऊंगा पर दोस्तों यहाँ पे आप कुछ क्लीनअप कर सकते हैं और काफ़ी ज़्यादा स्पेस बचा सकते हैं। सिमिलरली दोस्तों जो तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट वन है जो कि सबसे ज़्यादा लोग यूज़ करते हैं वो है फ़ोटोज़। और दोस्तों अगर आप फ़ोटोज़ के अंदर जाएंगे तो यहाँ पे सारी फ़ोटोज़ आ जाएंगी बाय साइज़ और दोस्तों आप लोग देख पाएंगे कि यहाँ पे ऐसी काफ़ी सारी फाइल्स होंगी जो कि यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल ये कुछ वीडियोस हैं जो कि मैंने लास्ट टाइम बनाई होंगी और ये इसके अंदर सिंक हो गई हैं फ़ोटोज़ के अंदर जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा स्पेस खा रही हैं। तो दोस्तों मैं इसको जस्ट यहाँ पे ऐसे करके डिलीट कर सकता हूँ और काफ़ी सारा स्पेस यहाँ पे बचा सकता हूँ। दोस्तों आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है मूव 7 आइटम्स टू ट्रैश, दिस एक्शन ऑटोमेटिकली डिलीट्स सिलेक्टेड फिल्टर आफ्टर 60 डेज़। तो दोस्तों अगर आपको इमीडिएट बेसिस पे स्पेस चाहिए तो आपको जाके स्पेस और बनाना पड़ेगा इन ट्रैश। तो दोस्तों ये था बेस्ट तरीका आपका गूगल अकाउंट को थोड़ा सा खाली करने का। दोस्तों इसी तरीके से आप अपने अकाउंट को जितना चाहें उतना खाली कर सकते हैं, जितनी आपकी विश हो उतनी खाली कीजिए। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो नीचे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि मैं ऐसी अमेजिंग वीडियोज़ आप लोगों के लिए बनाता रहता हूँ। उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी आपको।